बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सुपीरियर कॉलेज मियाँ वाली। उम्मीद है आप सब बच्चे खैरियत से होंगे। बेटा आज का जो टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम का। नाउ मोमेंटम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो लीनियर मोमेंटम के बारे में, और हमने कहा था द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है उसको हमने कहा था लीनियर मोमेंटम। और हमने कहा था लीनियर मोमेंटम को हमने कहा था क्वांटिटी ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें ये डेफिनेशन दी थी मोमेंटम की, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है उसी से मिलता जुलता है, और टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे वहां पर हम कह रहे हैं क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन ऑफ द बॉडी इज लीनियर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, यानी एक बॉडी के अंदर जो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने की क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी इज नोन एज एंगुलर मोमेंटम। नाउ अगर हम इसको फार्मूला की बेस पर डिफाइन करें तो वो डेफिनेशन क्या होगी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड लीनियर मोमेंटम पी ऑफ अ रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। यानी क्या है, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, जैसे एक ये एक बॉडी है, ये एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, ओ पॉइंट के ऊपर फिक्स्ड है, ये एक बॉडी है जो सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, जिसको हमने इस एरो से, इस लाइन से रिप्रेजेंट किया है, जो ब्लैक कलर में आपको लाइन नजर आ रही है। तो जो ब्लैक कलर की लाइन है ये उस बॉडी को मूव शो करा रही है, जो रोटेट कर रही है, वो बॉडी यहां पर मौजूद है। तो उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू सेंटर क्या बनेगा, आर। और यहां से अब आपको पता है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होती है। अगर हम वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, टेंजेंट होगी। जब वेलोसिटी की डायरेक्शन उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होती है तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में मोमेंटम की भी डायरेक्शन होगी, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पी इज इक्वल टू एम वी, पी इज इक्वल टू एम वी। नाउ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट टू दैट पॉइंट तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपके पास, इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी सर्कुलर पाथ पर घूम रही है उसकी जो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन उसके पॉइंट के ऊपर टेंजेंट, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी उस पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगी, टेंजेंट हो जाएगी। सो यहां से पॉइंट आ गया द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, आर जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से आपके पास पोजीशन वेक्टर है, उसका लीनियर मोमेंटम के साथ जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम क्या नाम देंगे, एंगुलर मोमेंटम का नाम देंगे। तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। कंसिडर एक पार्टिकल है जो यहां पर मौजूद है, ये रेड कलर से शो हो रहा है, इसका मैस है एम, ये वेलोसिटी वी के साथ मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी इज इक्वल टू एम वी। तो डेफिनेशन के मुताबिक एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर आर एंड लीनियर मोमेंटम पी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो ये डेफिनेशन है, ये कंसेप्ट है इसका, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, या द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, एंड विच मोशन, द क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। सो एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो आर का यूनिट बेटा यहां पर क्या होगा, मीटर, और मोमेंटम का क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई होगा मीटर से, तो ऐसा यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको हम जाउल सेकंड भी कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, जाउल सेकंड। अब जाउल सेकंड यहां से कैसे बनेगा, जाउल सेकंड में देखें ये आपके पास है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, इसको हम क्या करते हैं, सेकंड से मल्टीप्लाई भी करते हैं और सेकंड से डिवाइड भी कर देते हैं। जो हमने डिवाइड किया वो ऊपर जाके इसकी पावर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर, ये जो माइनस ऊपर जाके पावर में ऐड हो जाएगा, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा जाउल, और साथ ये जो सेकंड मौजूद है ये बन जाएगा जाउल सेकंड। और अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन में केजी की जगह आएगा कैपिटल एम, अब नेक्स्ट आपके पास है मीटर, तो मीटर की जगह लेंथ और टाइम की जगह टी माइनस वन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये अब आपके पास क्या आ चुकी है, इसकी डायमेंशन आ चुकी है। नेक्स्ट एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर्मूले से ही नजर आ रहा है ये बेटा क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट के तौर पे हमें क्या मिलती है, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, तो ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है।
नेक्स्ट जो हमारे पास चीज है वो है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो इसकी डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? डायरेक्शन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या है? ग्रैब्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन राइट हैंड विद फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जब आप जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है उनको अपने राइट हैंड में ग्रैब्स करेंगे और आपकी फिंगर कर्ल्स होंगी इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ये आपके पास है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपकी फिंगर का कर्ल, तो थंब किसको शो करेगा? थंब आपका एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करेगा, जिसको हम एल से शो कर रहे हैं। तो ये बॉडी घूम रहा है कौन सी डायरेक्शन में? कुछ इस तरह घूम रहा है ये आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब आपने अपनी फिंगर्स को कर्ल किया इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, थंब आपका अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आया, जो किसको शो कर रहा है? डायरेक्शन को शो कर रहा है। किसकी? एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। हमारे पास अगर सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट, जैसे ये था एक सिंगल ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, हमने इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करते हैं? कंसीडर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r विद वेलोसिटी p, विद वेलोसिटी v सॉरी, देन l इज इक्वल टू r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम l इज इक्वल टू r क्रॉस p, तो l इज इक्वल टू r p sin थीटा n हैट। नाउ n हैट के बारे में बेटा हम जान चुके हैं कि इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूजिंग राइट हैंड रूल। नाउ क्या बचा फिर? जस्ट मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। l इज इक्वल टू r p sin थीटा एंड हियर l इज इक्वल टू r, p की जगह हमने पुट किया mv, p इज इक्वल टू mv sin थीटा। तो r mv sin ऑफ एंगल थीटा या l इज इक्वल टू mvr sin ऑफ एंगल थीटा। नाउ यहां से बेसिकली अगर हम देखें तो हम ये कह रहे थे कि ये जो r इज अ पोजीशन वेक्टर, p इज टेंजेंट टू दैट पॉइंट। p उस पॉइंट के ऊपर क्या है? टेंजेंट। अब अगर p उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है तो r और p के दरमियान फिर एंगल कितना बन रहा होगा? ऑब्वियस है, अगर r के ऊपर p जो है वो टेंजेंट है तो r और p के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो होगा 90 डिग्री। एज एंगल बिटवीन r एंड v इज 90 डिग्री, r और वेलोसिटी के दरमियान 90 डिग्री, तो r और मोमेंटम के दरमियान एंगल भी कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री, क्योंकि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही मोमेंटम की डायरेक्शन। सो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पोजीशन वेक्टर r एंड v क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट होती है, सो एंगल इज 90 डिग्री, तो l इज इक्वल टू एम वी आर साइन 90, हियर साइन 90 इज 1, तो l इज इक्वल टू एम वी आर। ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है एंगुलर मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ मास, लीनियर वेलोसिटी एंड रेडियस। ये एक फार्मूला आ चुका है। नेक्स्ट बच्चों हमें ये भी पता है कि v इक्वल टू होता है r ओमेगा, ये हम प्रूव कर चुके हैं। वो अगर हम यहां पर पुट करें तो m v की जगह आ गया r ओमेगा इनटू r, तो r से r मल्टीप्लाई होके बन जाएगा l इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। नाउ ये फार्मूला आ चुका है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, l इज इक्वल टू एम वी आर इन टर्म्स ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंगुलर मोमेंटम, एम आर स्क्वायर ओमेगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये रिलेशन आ चुका। हेयर एम आर स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं एम आर स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इट इज रिप्लेस्ड बाय आई, तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हमने ड्राइव किया एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। ये था अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो। नाउ नेक्स्ट इज द केस रिजिड बॉडी, और रिजिड बॉडी के बारे में हम कह चुके हैं कि रिजिड बॉडी लाइक दिस तरह की, जैसे ये आपके पास एक डिस्क है, ये एक डिस्क आपके पास क्या है? रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिसके किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो मेंटेन रहता है, यानी वो हार्ड बॉडी है, वो अपनी कंडीशन को मेंटेन रख सकती है। तो कंसिडर करते हैं हम, ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी, एक सर्कुलर रिजिड बॉडी डिस्क की फॉर्म में है, ये एक्स वाई प्लेन में मौजूद, यानी हॉरिजेंटल, ये एक प्लेन के अंदर पड़ी हुई है, दैट प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा? ऑब्वियस है जेड एक्सिस होगा। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, ये घूमना शुरू कर देगी, क्लियर की बात, ये रोटेट करना शुरू कर देगी। नाउ कंसिडर अ सिमेट्रिक रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस अराउंड द सेंटर ऑफ मास, वो इस सेंटर के इर्द गिर्द ये बॉडी क्या कर रही है? ये बॉडी आपकी घूम रही है, ये एक रिजिड बॉडी है। अब यहां से हम ये कह रहे हैं कि जब ये रिजिड बॉडी आपकी घूम रही है इन दिस प्लेन, ये इस तरफ बॉडी घूम रही है, तो अगर मैं फिंगर्स को कर्ल करूं तो मेरा थंब किस तरफ आएगा? मेरा थंब ऑब्वियस है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यानी अलोंग जेड एक्सिस, और वो होगा एंगुलर वेलोसिटी के अलोंग, ये एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को शो कर रहा है। नाउ इसके ऊपर मैं डिफरेंट पॉइंट्स कंसीडर कर सकता हूं, जैसे पिछले टॉपिक में मैंने कंसीडर किए थे। यहां पर सपोज मैं एक पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं जिसको मैं M1 का नाम देता हूं, सिमिलरली यहां पर पॉइंट्स कंसीडर कर लेता हूं M2 M3, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस होगा,
इस पॉइंट का डिस्टेंस बन जाएगा आर वन, इस पॉइंट का डिस्टेंस आर टू, अप टू सो ऑन। तो यहां पर मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, यानी इस रिजिड बॉडी के ऊपर मैंने n नंबर ऑफ पॉइंट्स कंसीडर कर लिए फ्रॉम m1 टू m2 एंड देन अप टू सो ऑन, वो आपके पॉइंट्स जाएंगे नेक्स्ट mn पॉइंट्स तक। क्लियर है ये बात? उसके बाद क्या होगा, हर एक पॉइंट का एक स्पेसिफिक फासला होगा, m1 का जो डिस्टेंस है वो r1, m2 का जो डिस्टेंस है r2, अप टू सो ऑन, ये भी और ये भी अप टू सो ऑन नंबर्स होंगे। नाउ हर एक पॉइंट का, m1 का, m2 का, m3 का, हर एक पॉइंट का मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करता हूं। तो पहले पार्टिकल के लिए मैं फार्मूला ये यूज करूंगा एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो फॉर फर्स्ट पार्टिकल l1 इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, क्योंकि पहले पॉइंट का फास्ट मास जो है m1 है, रेडियस r1, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, हमने पिछले टॉपिक में भी कहा था ये रिजिड बॉडी है, तो यहां पर आप सिर्फ ओमेगा पुट कर दें या ओमेगा 1 पुट कर लें, एक ही बात है। सेकंड पार्टिकल के लिए आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम l2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 अप टू सो ऑन। nth पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा ln, मास की जगह आएगा mn, रेडियस की जगह आएगा rn स्क्वायर, एंगुलर वेलोसिटी की जगह ओमेगा n आ जाएगा। तो हर एक पार्टिकल का हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया, नेक्स्ट क्या करेंगे, तमाम को ऐड कर देंगे। ये वही चीज है, मैं इसको क्विकली इसलिए गो थ्रू कर रहा हूं क्योंकि ये सेम चीज हम पहले पढ़ चुके हैं, तो हम उसको समझने में आसानी होगी, बस फार्मूला चेंज हुआ बाकी कंसेप्ट वही है। तो l इज इक्वल टू l1 प्लस l2 प्लस अप टू सो ऑन ln, इन तमाम एंगुलर मोमेंटम्स को हम ऐड करेंगे, l1 की जगह m1 r1 स्क्वायर ओमेगा 1, l2 की जगह m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 प्लस अप टू सो ऑन mn rn स्क्वायर ओमेगा n। ओमेगा सब में सेम होगा बिकॉज इट्स रिजिड बॉडी, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी, और जिस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम, तो यहां पर हमने तमाम में ओमेगा 1, ओमेगा 2, अप टू सो ऑन ओमेगा एन को ओमेगा से रिप्लेस कर दिया। नाउ यहां से कॉमन क्या ले सकते हैं, ओमेगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन एम एन आर एन स्क्वायर इनटू ओमेगा। नाउ एम वन आर वन स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, ये सेकंड पार्टिकल का, एंड अप टू सो ऑन ये nth पार्टिकल। तो इसका मतलब ब्रैकेट में जो चीज मौजूद है वो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ द बॉडी को शो कर रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ रिजिड बॉडी। सो इसको हम सिग्मा की फॉर्म में लिखते हैं, सिग्मा आई इज इक्वल टू वन अप टू एन एम आई आर आई स्क्वायर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शी ऑफ द रिजिड बॉडी आ गया, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस रिजिड बॉडी। नेक्स्ट, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया की मदद से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी, एंड देन हमने फाइंड आउट कर लिया एंगुलर मोमेंटम। तो हमने एक सिंगल पार्टिकल का भी मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर लिया और रिजिड बॉडी का भी एंगुलर मोमेंटम हमने फाइंड आउट कर लिया। लास्ट पे हम टाइप्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम को देखते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम की दो टाइप्स हैं, वन इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड अदर इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। Now, when a body is moving on a circular path, then angular momentum possessed by the body about the circle is called orbital angular momentum. जब एक बॉडी एक सेंटर के इर्द गिर्द एक मदार में घूम रही हो, एक ऑर्बिट में घूम रही हो, एक खास सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, तो उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जब एक बॉडी एक ऑर्बिट के अंदर घूम रही है, एक खास सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रही है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। जैसे एक बंदा है, जैसे ये है, ये सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, तो ये आपके पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम पोजेस करेगा। जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है, तो जमीन के पास क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट, स्पिन, नाम से ही जाहिर है, अगर बॉडी स्पिन कर रही होगी, और स्पिन क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर एक बॉडी अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द, जैसे ये पर्सन है, ये अपने इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे, तो दिस इज नोन एज स्पिन मोशन, एंड एंगुलर मोमेंटम पोजेस्ड बाय स्पिन मोशन इज नोन एज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इसको हम एल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम एल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एग्जांपल है, एक बंदा अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दे, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, जमीन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूम रही है, हम सबको पता है, तो वो स्पिन मोशन है, और उसकी वजह से आपके पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा। स्पिनिंग टॉप, जो लट्टू होता है, जब लट्टू को आप घुमाते हैं तो अपने एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है, तो उसके पास जो एंगुलर मोमेंटम होगा, दैट इज स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था एंगुलर मोमेंटम का। यहां तक हम लेक्चर को बेटा कंप्लीट करते हैं, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।